एक दिव्यांग पिता जेमनुं नाम सरदार कुलदीप सिंह जेमने पोतानी कोरोनाग्रस्त दीकरी स्वस्थ थता मन्नत पूरी करवा भूजथी अमृतसरनी यात्राए निकळ्या छे। પોતાના દિવ્યાંગ પિતાની મન્નત પૂરી કરવા તેઓને વ્હીલચેર પણ લઈ પગપાળા યાત્રા પર નીકળેલી દીકરી ટીના પણ કળિયુગના શ્રવણની ભૂમિકા ભજવી રહી છે। પંજાબના લુધિયાણાના મૂળ રહેવાસી અને હાલ બિહારના પટણામાં રહેતા દિવ્યાંગ કુલદીપસિંહ રાઠોડ તેમની દીકરી ટીના સાથે ભુજમાં પોતાના પગમાં કેલિપર્સ ફિટ કરાવવા આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની વ્હાલ સોઈ દીકરીને કોરોના થતાં તેઓ પારકા પંથકમાં ચિંતાતુર બન્યા હતા। ત્યારે તેની તબિયત સારી થઈ જાય તે માટે દિવ્યાંગ પિતાએ અમૃતસર સુવર્ણ મંદિરના દર્શન કરાવવાની માનતા રાખી હતી। હવે દીકરીની તબિયત સારી થતાં માનતા પૂરી કરવા દિવ્યાંગ પિતા વ્હીલચેરમાં બેસી અમૃતસર સુવર્ણ મંદિર દર્શન કરવા નીકળ્યા છે। ત્યારે કળિયુગના શ્રવણની ભૂમિકા ભજવતી તેઓની 16 વર્ષીય દીકરી ટીના પણ પગપાળા યાત્રા કરી પિતાજીની પોતાના માટે માનેલી માનતા પૂર્ણ કરવામાં સહભાગી બની રહી છે। પટના 2011 રહેતા હું। पैर में बचपन से पोलियो होने के कारण जो है राइट पैर की मेरी प्लेट जो है क्रैक हो गई थी, तो वो बदलने के लिए मैं रेको भुज सर्वोदय चैरिटेबल ट्रस्ट का एड्रेस दिया था। लॉकडाउन दरमियान वो बंद था, जब ट्रेनें चालू हुई तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप आ जाओ। हम पटना से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से ट्रैवल थ्रू हम भुज पहुँचे हैं। वहाँ उन्होंने क्वारंटाइन की बात की, जबकि हर रेलवे स्टेशन पर हमने क्वारंटाइन के लिए विनती किया, हमको किसी ने किया नहीं। तो जो है वहाँ हम उन्होंने हमारा ब्लड सैंपल मेरा और बेटी का भुज महानगर पालिका ने लिया, और इसके बाद जो है हम लोग कहीं रुकने का सहारा नहीं था। हम बस स्टैंड पर रात रुके थे 3 दिन, उसमें बच्ची को बुखार हुआ, बुखार में से इसको श्वास की तकलीफ़ हो गई। दूसरे दिन वहाँ से फ़ोन आया कि बच्ची को पॉजिटिव है। उस दरमियान मैं डर गया, और डर के मारे मैंने आखिर मीडिया का सहारा लिया, Z24 के राजेश ठक्कर का कांटेक्ट किया। वो लोग आए, उन्होंने बच्ची को मुद्रा ले जाने दिया और मेरे को गोधरा धर्मशाला में रुकवाया था। बस उस दरमियान डर के कारण उन्होंने बोला कि प्रार्थना करो, तो मैंने तो एक ही जो प्रार्थना की कि सच्चे पिता, अगर मेरी बच्ची मेरे पास राजी खुशी आएगी तो मैं पैदल तेरे दर पे रेंग के भी आऊँगा। तो बस सर वो मन्नत पूरी करने निकले हैं। पालनपुर आए हमें 3 दिन हो गए, रास्ते में काफ़ी परेशानियाँ आई, मुश्किल ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से ज़रा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। साथ चलता है दुआओं का काफिला, किस्मत से कह दो अभी तन्हा नहीं हूँ। तो मेरी बच्ची भी मेरा बराबर साथ दे रही है। पालनपुर 3 दिन से रुके हैं, हमारे गुरुद्वारे के सुरेंद्र जी ने उनके घर पर 3 दिन हमें रोका, लंगर पानी खिलाया, और लायंस क्लब का मैं शुक्राना अदा कर रहा हूँ कि मेरा जो व्हील ख़राब हो गया था उन्होंने नई व्हीलचेयर ला के दी। वो व्हीलचेयर छोटी होने के कारण नई व्हीलचेयर के व्हील में, इस व्हील में डाल के आज हम आगे यात्रा शुरू कर रहे हैं। मोरबी के बाद हमारी एवरेज 30-35 आई है, फिर आज हो सकता है हम यहाँ से अब ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 किलोमीटर 5-5.5 तक रुक जाते हैं, और आज आबू रोड नहीं कल पहुँच पाएंगे हम। हम अमृतसर गोल्डन टेंपल तक जाएंगे। मेरा रूट है आबू रोड सिरोही पाली जोधपुर होके हनुमानगढ़ बठिंडा जलंधर होके अमृतसर पहुँचेंगे। 1 महीना 13 दिन निकले हैं हम लोग। 5 अक्टूबर को निकले थे, फिर हमको रोक दिया गया था माता के मठ में, हम 10 दिन रुके हैं, तो 15 अक्टूबर से रेगुलर हम चल रहे हैं। 10 ऑक्टोबर थी भुज थी निकलेला सरदार कुलदीप सिंह तेमनी दीकरी साथे पालनपुर आवी पहुंचा था। तेवो रोजना 35 किलोमीटर नो प्रवास खेड़ी रहा छे। तेवो सवा महीने अमृतसर पहुंची जवानो
आशावाद सेवी रहा छे। हम लोग पटना से कच्छ में आए थे पापा के इलाज के लिए, फिर मुझे वहाँ पे कोरोना हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने भी पापा को बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी बस आप दुआ कीजिए। फिर पापा ने मन्नत मांगी थी कि अगर मैं ठीक हो जाऊँगी तो हम गोल्डन टेम्पल तक पैदल यात्रा करेंगे। फिर अभी हम उसी यात्रा पर निकले हुए हैं और हम फिलहाल गुजरात में हैं और यहाँ के गुजरात के लोगों का काफ़ी कोऑपरेट रहा है हम लोगों। આમ દીકરી માટે બાધા પૂરી કરવા નીકળેલા દિવ્યાંગ પિતા પુત્રીની જોડી શ્રદ્ધાના સત્વારે આગળ ધપી રહ્યા છે। કેમેરામેન વિશાલ ગોયલ સાથે વિનોદ સુંદેસા, પાલનપુર।